और डायल हंड्रेड में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौत पर हंगामे की तस्वीर। एक शख्स सड़क दुर्घटना में जख्मी हो जाता है, लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन फिर आरोप लगता है कि वहां डॉक्टरों ने वक्त पर घायल की सुध नहीं ली, जिसके बाद उस शख्स की मौत हो गई। लेकिन इस मौत के बाद उस अस्पताल में जो हंगामा मचा वो इतना बढ़ गया कि फिर भारी पुलिस जाब्ते को भी अस्पताल में तैनात किया गया। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है टोंक के सआदत अस्पताल से। चलिए आपको दिखाते हैं मौत पर हंगामे की तस्वीर। पब्लिक का गुस्सा और उसका हंगामा और वो सब कुछ एक अस्पताल में। दरअसल ये तस्वीरें हैं टोंक के सआदत अस्पताल की, जहां के डॉक्टरों पर ये लोग लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें एक शख्स की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। और फिर यह हंगामा कुछ इस कदर बढ़ा जिसकी कबाड़ ये तस्वीरें हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा। दरअसल टोंक में बीती रात एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत के बाद गुस्से लोगों ने सआदत अस्पताल में हंगामा कर दिया और उपचार में लापरवाही बरतने पर आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हुए अस्पताल और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि माहौल की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी और सीओ को भी भारी जाब्ते के साथ यहां पहुंचना पड़ा। लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और मौके पर पहुंचे एसडीएम से आक्रोशित भीड़ ने पीएमओ को बुलाकर आरोपी डॉक्टर को बुलाकर तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर डाली। आपको बता दें कि बुधवार शाम सड़क हादसे में घायल होकर लाए पूर्व पार्षद नाथूलाल सैनी ने समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हुए सर्जिकल वार्ड में तोड़फोड़ तक कर डाली। परिजनों का आरोप है कि घायल नाथूलाल इलाज के अभाव में काफी देर तक तड़पते रहे, लेकिन अस्पताल में तैनात किसी डॉक्टर ने उनकी सुध लेना भी उचित नहीं समझा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जैसे काम करके इमली है हमारे वहाँ चौराहा है, वहाँ से ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है इनका। एक्सीडेंट में वहाँ तुरंत हॉस्पिटल लिया है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं संभालने वाला एक भी, और जिनके हॉस्पिटल संभालने के लिए हो कोई सुनता ही नहीं है। हॉस्पिटल में कैसे भी एक्स वाई जेड कैसे भी आदमी हो कोई संभाल ही नहीं ले रहा उस आदमी की।
कुल डेढ़ घंटा दो डेढ़ दो घंटे तक परेशान रही है, कोई भी यानी पूछ रहा है क्या होगा इस आदमी को, कोई डॉक्टर नहीं है, एक भी नहीं है। पूर्व पार्षद के अस्पताल में मौत के बाद परिजनों का गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ता थे, पुलिस अधिकारी भी सकते में थे, लेकिन माहौल को देख लगता नहीं था कि यहां पुलिस कोई सख्त कदम उठा सकती थी, और इसी के चलते परिजन चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देर रात तक हंगामा करते रहे। वहीं बाद में एडीएम लोकेश गौतम और माली समाज के नेता कमलेश सिंगोदिया भी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ वार्ता कर आरोपी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमने प्रशासन से मांग की उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए और दोषी को दंड दिया जाए। लेकिन बड़ा शोभनीय विषय कि टोंक जिले का प्रमुख अस्पताल है सादत अस्पताल, जहां पर ट्रॉमा यूनिट भी होनी चाहिए, एक्सीडेंट में आने वालों को इमरजेंसी में तुरंत तत्काल होना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि 3 घंटे तक पीएमओ मौजूद नहीं थे यहां पर, बार बार कहने के बावजूद पीएमओ आए, शांतिप्रिय हम लोग उस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अंतोदगत्वा ठीक है, बात सुनी गई और प्रशासन ने कमेटी डिसाइड करी है, कमेटी जांच करेगी, अगर जांच में दोषी पाया गया, अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो समाज स्वतंत्र है, आगे के स्टेप के लिए हम निश्चित रूप से अच्छा स्टेप लेंगे। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 2 डॉक्टरों की स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी, उसी के बाद मामले पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिस पर एडिशनल SP ने जाँच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात की। कोई एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हो गया था और उनको घायलावस्था में यह लाया गया और उनके परिजनों का ये आरोप है कि साथ उनका ढंग से इलाज नहीं हुआ और लापरवाही की वजह से मौत हो गई। तो अभी ये प्रशासन से इन्होंने वार्ता की है और प्रशासन ने कमेटी का गठन किया है और कमेटी जांच देगी कि डॉक्टर इसमें दोषी थे या नहीं थे, अभी रिपोर्ट दे रहे हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि टोंक के सादत अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों की जान जाने के ऐसे आरोप कोई नए नहीं हैं। हमेशा से ही अस्पताल प्रबंधन पर इस तरह की लापरवाही के आरोप लगते आए हैं, लेकिन फिर भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन इस बार लगता है कि अस्पताल प्रशासन अपनी कड़ी को तोड़ेगा जरूर, ताकि फिर कोई ऐसा हंगामा यहां ना बरपे। फर्स्ट इंडिया के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कुछ गुनाह के बारे में जो अपने शौक की वजह से किया गया। एक शख्स को अपने परिवार के साथ अपनी कार में घूमना और फिर उसी कार से गुनाह की इबारत लिखना भारी पड़ गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि नोएडा से ये शख्स राजस्थान के कई इलाकों में अपनी उस कार से परिवार सहित घूम चुका था जिस पर लगी थी लाल बत्ती। लेकिन इस सैकड़ों किलोमीटर के सफर में किसी पुलिस ने उसकी जाँच तक नहीं की, लेकिन जब वो जयपुर में दाखिल हुआ तो फिर खुल गया उसके जुर्म का राज।
जयपुर के माणक चौक पुलिस थाने में अपनी कार वाली लाल बत्ती के साथ बैठा और अपना राज खुलने के बाद अब अपना चेहरा छुपाने की कवायद में लगे इस शख्स का नाम है शिव कुमार। पेशे से कारोबारी शिव कुमार ने यूं तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया, लेकिन जो गुनाह इसने किया वो किसी बड़े अपराध से कम भी नहीं। आखिर कानून के साथ खिलवाड़ करना भी एक जुर्म तो है ही। यूं तो इस कार को देख आप भी यही कहेंगे कि शायद ये कार किसी उस अधिकारी की होगी जिसे अपनी कार पर लाल बत्ती लगाने की इजाजत होगी, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। दरअसल ये कार इसी शख्स यानी नोएडा के कारोबारी शिव कुमार की ही है, जिसने केवल लोगों पर रुआब डालने और खाकी को बेवकूफ बनाने के लिहाज से अपनी कार पर लाल बत्ती लगाई और फिर यूपी से राजस्थान तक का सफर तय कर डाला। राजस्थान के कई शहरों और जयपुर के आउटर इलाकों में भी ये अपनी इसी लाल बत्ती लगी कार को लेकर घूम चुका, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर जब यह परकोटे में दाखिल हुआ तो यहाँ इसकी चोरी पकड़ी गई। आज दिनांक 13/10/2016 को मैं चेकिंग के अंदर निकला था इलाके थाने में। इसी दौरान त्रिपोलिया टी पॉइंट के ऊपर हमारी जैसे गाड़ी और मैं वहाँ पहुँचा तो एक गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती टी20 के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई हमें दिखाई दी। तो हमें कुछ शक हुआ उस गाड़ी के ऊपर, तो हम ड्राइवर साहब से जाकर पूछताछ की तो उन्होंने कोई अपना ऐसा पद नहीं बताया कि जो लाल बत्ती गाड़ी लगा सकती है। दरअसल परकोटे में जब रेड लाइट पर खड़ी गाड़ी पुलिस को संदिग्ध लगी तो पुलिस ने जांच की। जांच में फर्जी तरीके से लाल बत्ती लगाए जाने और गाड़ी के कागजात नहीं होने पर माणक चौक थाना पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में शाहपुरा पुलिस ने 6 गाड़ियां जब्त की थी, लेकिन इस बार गुरुवार दोपहर नोएडा के रहने वाले बिजनेसमैन शिव कुमार अपने परिवार सहित अपनी निजी कार लेकर त्रिपोलिया बाजार से गुजर रहा था। इसी दौरान माणक चौक थाना पुलिस की टीम को लाल बत्ती लगी ये गाड़ी संदिग्ध लगी। गाड़ी में बैठे शिव कुमार से बात की गई तो लाल बत्ती लगाने का वो कारण नहीं बता पाया। पुलिस ने जब गाड़ी के कागजात मांगे तो शिव कुमार ने कार के दस्तावेज भी पुलिस को नहीं दिखाए, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने इस कार को भी जब्त कर लिया है। तस्वीर से काफ़ी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साहब मैं सो क्या इसको बत्ती को लगा ली थी, तो उनके पास कोई गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगाने का किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो लाल बत्ती लगा सके, जिस पर हमने इस गाड़ी को जब्त किया है वो चलान किया। लेकिन इसको मैंने चेक किया तो इसके पास कोई कागजात भी मौके पर नहीं था, जिस पर मैंने इनको 108C और 177 और 207 MA में जब्त किया। तो देखा आपने, एक शख्स पर लाल बत्ती का खुमार कुछ इस तरह हावी हुआ कि फिर वह गुनाह कर बैठा और गुनहगार बन गया। यूं तो गाड़ी पर अनाधिकृत रूप से लाल बत्ती लगाने पर एमवी एक्ट के तहत 100 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में गाड़ी के दस्तावेज नहीं होने पर कार को जब्त किया है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर लोगों पर रुआब डालने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, और स्थिति यह भी है कि बाजार में भी इस तरह की लाल बत्तियां औने पौने दामों में मिल भी जाती है। लेकिन सवाल पुलिस का भी है कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, और फिर लोग भी बेफिक्र होकर इस तरह के गुनाह को अंजाम देते रहते हैं। डायल 100 में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 3 युवतियों के एक गुनहगार के बारे में।